Hey guys, भले ही आप लोगों स्क्रीन पर इतने सारे वापिस दिख रहे हो लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ एक ही चांस है इन्हें परचेज करने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मंजी ऐसा क्यों, एक चांस क्यों? क्योंकि भाई ये पपी एक ही है और अगर ये भी आप लोगों के हाथ से निकल गया ना फिर तो भाई ऐसी क्वालिटी काफी टाइम के बाद मिलने वाली है। लेकिन इसको लेने से पहले भाई इसके पेरेंट्स के बारे में जरूर देख लेना जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। एंड साथ में इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आप लोग इसे परचेज करना जरूर चाहोगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारे आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं वन ऑफ दी फेमस एंड एक परफेक्ट फैमिली डॉग ब्रीड के बारे में जो है लैब्राडोर, जो कि एक एवरग्रीन डॉग ब्रीड है। और आज जो लैब्राडोर आप लोग देख रहे ना ये चॉकलेट कलर में, जो कि इस ब्रीड का सबसे रेयरेस्ट कलर है क्योंकि आप लोगों को गोल्डन, ऑफ व्हाइट, ब्लैक कलर तो इजीली मिल जाते हैं और वो भी काफी नॉर्मल से प्राइस में। वैसे मिल तो आप लोगों को ये कलर भी जाएगा लेकिन ये क्वालिटी नहीं मिलने वाली भाई, क्योंकि ये क्वालिटी अलग ही है। और जब आप लोग इनके पेरेंट्स को देखोगे तो ये चीज आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन पपीज के जो ओनर ना मिस्टर धर्मेंद्र, उनके पास आप लोगों को ऐसी क्वालिटी और भी काफी सारी डॉग ब्रीड में मिल जाएगी। आई मीन वो सिर्फ एक ही डॉग ब्रीड में काम नहीं करते, उनके पास काफी सारी डॉग ब्रीड हैं जिन्हें आप लोग लाइव वीडियो कॉल पर देख सकते हैं क्योंकि उनका बिल्कुल साफ सुथरा एंड जेन्युइन काम है। एंड सभी डॉग्स आप लोगों को उनके कैनल पर ही मिलेंगे जिनका नाम है अंश कैनल। वो बाहर से डॉग्स को लाकर कभी भी सेल नहीं करते। और ऐसा तो भाई आप लोगों ने काफी कम सुना होगा कि पपीज होने से पहले ही पपीज बुक हो जाए, लेकिन इन ओनर के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि इनसे जो भी लोग टच में रहते हैं उन्हें पता होता है कि पपीज कब होंगे और उनकी क्वालिटी हमेशा ऐसी होती है जिसे आप लोग फ्लैट स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कुछ बच्चे पहले ही बुक हो गए थे, कुछ बाद में बुक हो गए थे और अभी ये लास्ट फीमेल बची हुई है। वैसे मदर की क्वालिटी के बारे में बात करें तो भाई ये देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये इसकी मदर है भाई। क्वालिटी देखिए बहुत ही शानदार क्वालिटी की फीमेल है एंड साथ में केसी रजिस्टर्ड भी है और इम्पोर्ट लाइन से है। वैसे पपीज के जो पेपर है ना वो भी अप्लाई कर दिए बिकॉज ये जो पपी है ना भाई ये केसी रजिस्टर्ड है। तो 3 मंथ्स के आसपास आप लोगों को इसके पेपर्स मिल जाएंगे जो कि आप लोगों के एड्रेस पर ही डिलीवर कर दिए जाएंगे क्योंकि कैनल क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से इतना टाइम तो लग ही जाता है पेपर्स आने में। बाकी बिल्कुल शो क्वालिटी की फीमेल है, आप लोग फ्यूचर में चाहो तो इसे डॉग शोज में पार्टिसिपेट भी करा सकते हो। और गाइस यकीन मानिए ये जो पपी है ना ये जस्ट 20 डेज की है और आप लोगों को बताए कि 20 डेज में ग्रोथ कितनी कम होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए ये कितनी ज्यादा हैवी है। वैसे एक चीज तो मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि जब इस फीमेल को आप लोग बाहर वॉक पर लेकर जाओगे ना तो जो देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। और अगर मन में फिर भी कोई डाउट है तो इसके फादर को देखकर वो चीज भी क्लियर होने वाली है। जी हां गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इसके फादर भाई। लैब्राडोर में ऐसी क्वालिटी शायद ही आप लोगों ने पहले कभी देखी हो। ये है मिस्टर ब्रांड जो कि डायरेक्ट इंपोर्ट के सन है एंड साथ में चैंपियन लाइन से है जिसके पेपर आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके देख सकते हो। तो भाई एज तो मैं आप लोगों को इस फीमेल की ओडी बता ही चुका हूँ। अगर बात करें इसकी लोकेशन के बारे में तो भाई ओनर की जो लोकेशन है वो है सोनीपत हरियाणा से। आप लोग डायरेक्ट जाकर पपी को परचेज कर सकते हो क्योंकि बता ही चुका हूँ होम ब्रीडिंग के। या फिर अगर आप लोग डिलीवरी चाहते हो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों को डिलीवरी मिल जाएगी एंड ओनर बिल्कुल जेन्युइन है। आप लोग एडवांस पेमेंट भी कर सकते हो, गारंटी मेरी रही। लेकिन गाइस ओनर ने यहाँ पर बस प्राइस को मेंशन नहीं किया कि प्राइस क्या होने वाला है, तो वो चीजें आप लोगों को डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके ही पता करनी पड़ेगी। और जिसे पता लगे कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो जाए और उन्हें पता लग जाए कि कितना प्राइस होने वाला है। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।